हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम रिंकेश सर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 4 की, यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। 4.1, सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। सो लेट मी राइट डाउन द गिवन थिंग। एन इज इक्वल टू 100 टर्न्स, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर यानी कि 0.08 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप की फॉर्मूला क्या है, वो है म्यू जीरो आई बाई 2R, राइट। सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी फॉर्मूला है म्यू जीरो आई बाई 2R फॉर वन लूप। यहाँ पे 100 लूप दिए हैं तो उसकी फॉर्मूला आ जाएगी म्यू जीरो एन आई बाई 2R। ठीक है, तो हम वैल्यू रख देते हैं म्यू जीरो के वैल्यू 4π × 10⁻⁷ एन, 100 करंट 0.4/2 और रेडियस की वैल्यू 0.08। ओके, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 × π means 3.14 × 100 × 0.4 / 2 / 0.08, ये हो गया 3140। तो 3140 × 10⁻⁷ टेस्ला। आई कैन ऑल्सो राइट इट डाउन इन 3.14 × 10⁻³। I subtract 3 points, so minus 7 plus 3, it will be minus 4 tesla. Here, so this was 4.1. Just note it down. Now let's move to the next question. 4.2. A long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field B at point 20 centimeter from the wire? The given quantity is main likh leta hu pehle. Current hai 35 ampere. Distance hai r, 20 centimeter yani ki 0.2 meter. Matlab yahan pe wire diya hua hai, usme current ja raha hai i, humko 20 centimeter is jagah pe magnetic field find. Clear? So what is the formula for magnetic field due to current carrying straight wire? That is B equal to mu 0 I upon 2 pi R. But sir, value rakhni humko. Okay, mu 0 4 pi into 10⁻⁷ I 35 upon 2 into pi into 0.2. ये हो गया 35 अपॉन 0.1 दैट इज 350 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, तो राउंड फिगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू रखनी थी। ओके, सो नोट डाउन 4.2। Now let's see the next, that is 4.3. A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere. I is equal to 50 ampere. The north to south direction. Okay, so main plane le leta hu. Right? Le leta hu ye north, ye south. Theek hai? Ye east. West. Okay. The wire is north to current, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है।
कितना 50 एम्पियर. गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट द पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट. मतलब यहाँ पे ये हो गया पॉइंट ई, ये डिस्टेंस आर. आर कितना है 2.5. तो ये 4.2 जैसा ही हुआ. करंट के मैग्नेटिक फील्ड टू करंट कैरिंग वायर इज म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर. मतलब 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7 इंटू 50 अपॉन 2 पाई इंटू 2.5. राइट 2.5 20 इज 50. सो 20 इंटू 2 दैट इज 40 इंटू 10 रेज टू माइनस 7. स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगा 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 टेस्ला. तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 टेस्ला. राइट. और हमको डायरेक्शन भी फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे. तो हमारा राइट हैंड की थंब करंट की डायरेक्शन में आएंगे तो हमारे फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन रोटेट होगी, इस डायरेक्शन में. अगर थंब इस डायरेक्शन में है तो फिंगर्स इस डायरेक्शन में रोटेट होगी. तो वेस्ट की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर होगी, यहाँ पे बाहर होगी. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई विल से अपवर्ड. ओके, ये ऊपर की साइड है. सो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओके, प्लेन से परपेंडिकुलर है टू प्लेन एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ओके. तो ये हो गया हमारा 4.3. सो जस्ट नोट इट डाउन. Now let's move for the next question. 4.4. A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in the east to west direction. What is the magnitude of direction of magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? Okay, मतलब ये जो हम अपने वो केब वायर्स देखते हैं वो है. तो सपोज भी हम ऊपर का प्लेन लेते हैं जहाँ पे वायर है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट. ऊपर खंबे में से जो वायर जा रहा है वो है. तो वायर की डायरेक्शन कौन सी है करंट की, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो ये रही इसकी डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कहाँ पे फाइंड करना, 1.5 मीटर बिलो द लाइन. मतलब वायर के नीचे पे एक पॉइंट है, हम ये ले लेते हैं, ये हो गया पॉइंट पी. ठीक है, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. तो गिवन क्वांटिटी पहले, करंट कितना है 90 एम्पियर और डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर. तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आएगी, बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर. मतलब 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7 इंटू करंट कितना है, करंट 90 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू 1.5. 15 6 90, सो 1.5 इंटू 60. सो ये हो गया 60 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 टेस्ला. स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 टेस्ला. ठीक है, सॉरी ये इंटू टू रह गया. तो मतलब हो जाएगा 120. स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 टेस्ला. ठीक है, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड. अब डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल दूंगा, अगर थंब की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट आएगी तो फिंगर्स रोटेट इस डायरेक्शन में होगी. ओके, तो ऊपर की साइड डायरेक्शन नॉर्थ बाजू, लेकिन नीचे की साइड कौन सी है, इस डायरेक्शन में. तो ये इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में बोलूंगा नॉर्थ टू साउथ वाली डायरेक्शन है. राइट,
सो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डिरेक्शन ऑफ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड और डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और टुवर्ड्स साउथ, ठीक है? ओके, तो ये हो गया हमारा 4.4, जस्ट नोट इट डाउन। Okay, students, so that's it for today. Thank you.